हमारे हमारे साथ साथ काफिर। काफिर नाम से हैं जो उनको ले लीजिए। जी जी जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अल्लाह की नज़र में एक काफिर और एक मुसलमान में क्या फ़र्क है? मतलब जैसे एक काफिर पैदा होता है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म का है, तो वो भी खाता पीता है, बड़ा होता है, मर जाता है, उसको बीमारियां होती हैं, उसके सब कुछ जो भी होता है उसको एंड लाइफ में जो होता है, एक मुसलमान को भी वही होता है पूरी लाइफ में, वो भी परेशानियां और अच्छी चीज़ें, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, सब कुछ चलता है। तो फ़र्क क्या है? मतलब अल्लाह की नज़र में कहाँ पे मुझे फ़र्क आया कि मुसलमान होने पे मुझे बीमारियां नहीं लग रही, या मुझे खाना ज़्यादा, मतलब क्या, मतलब उसमें क्या एडवांटेज है? क्योंकि जैसे हम कुरान लोग करीम देखते हैं ने कि आपके इस सवाल का जवाब दिया है। जी अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबं व कबाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम। के ए लोगो, और इसमें ये नहीं कहा कि ए मुसलमानों या ए काफिरों, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें कौमों और कबीलों के अंदर बना दिया ताकि तुम दूसरे का पहचान को। यहां तक तो सब बराबर है, जिस तरह पैदा हुए खाते हैं, कबीलों में हैं, कौमों में हैं, अलग अलग कौम, अलग अलग कलर, अलग अलग जबानें, सब बराबर, कोई इस्लाम कुफर का कोई फर्क नहीं है। यहां से आता है इन अकरमकुम इंद अल्लाह अतकाकुम। अब तुम में जो सबसे ज्यादा मुअज्जत यानी ऑनर्ड रिस्पेक्टेड अल्लाह की नजर में है, तो वो है कि जिसमें सबसे ज्यादा खुदा का खौफ और डिसिप्लिन हो। तो अब एक आदमी यहाँ के निजाम में रह रहा है और खुदा के अहकाम को, खुदा के जो जो गाइड, जो खुदा ने जो हुक्म उसको दिया है, जिस तरह जिंदगी उसको गुजारनी है उसी तरह वो गुजार रहा है, तो वो अल्लाह ताला की नजर में एक रिस्पेक्टेड है। अब आप ये देखें कि मसलन इंडिया में आप रहते हैं तो आप फखरिया ये कहते हैं कि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कि मैं लॉ पर चलने वाला, कानून को मानने वाला शहरी हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। तो यहाँ से आप ये यानी पूला नहीं समाता एक इंसान जब आदमी ये कहता है कि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्यों? इसलिए कि जब आप लॉ अबाइडिंग हैं तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में मुअज्जज हैं, मोहतरम हैं। तो ऐसे ही अल्लाह की नजर में मुअज्जज वो है जो लॉ अबाइडिंग है। अब मुझे बताइए कि लॉ अबाइडिंग होना कोई गलत काम है? तो ठीक है, उसको बता दीजिए, और अगर अच्छा काम है तो बात साबित हो गई। नहीं, प्रैक्टिकली अल्लाह ने तो कभी कोई कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा बीच में, अगर काफिर और मुसलमान। ये प्रैक्टिसिंग करना अलग पद्धति, दूसरे की पूजा पद्धति अलग है, सब धर्म स्टाइल अलग है, वो ठीक है, मगर अल्लाह की तरफ से नेचुरली जो जैसे बारिश होती है, धूप होती है, छांव होती है, सबके लिए वो बराबर है, सबके लिए सब बराबर है और ये लॉज ऑफ नेचर के ताबे है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह मुसलमान रहेंगे तो सारे के सारे खुशहाली होंगे और काफिर सारे के सारे बदहाली बिल्कुल होंगे। अगर ऐसा हो बिल्कुल जाए तो फिर कोई काफिर ही ना बचे, सारे मुसलमान हो जाए। तो बिल्कुल वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो अल्लाह की नजर में तो सब एक जैसे ही होते हैं और होना भी चाहिए, तो नेचुरली सब मुझे तो लोग कोई एक फर्क जैसे नहीं हैं, नजर आएगा। नेचुरली सब एक जैसे हैं, और आप इस दुनिया के अंदर अगर तरक्की करते हैं तो अपनी मेहनत से करते हैं, इसलिए नहीं करते कि आप मुसलमान हैं। बिल्कुल आप इसलिए बिल्कुल तरक्की, आप अगर नीचे जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते कि आप काफिर हैं। एक मुसलमान बिल्कुल भी नीचे गिर सकता है अगर वो मेहनत वही ना मैं करे, और एक कह रहा हूँ मुसलमान सर, भी ऊपर जा सकता है अगर वो मेहनत करे, और यही रूल काफिर के लिए है, गैर मुस्लिम के लिए है। पॉइंट ये है बिल्कुल कि खुदा की नजर में लॉ अबाइडिंग ही मुअज्जज और मोहतरम है, वही रिस्पेक्टेड है, और उस ये इस चीज का इजहार बाज मरतबा दुनिया में हो जाता है, जरूरी नहीं है, बाज मरतबा हो जाता है, और आखिरत में तो होगा ही होगा। आखिरत की कहानी तो बहुत अलग है, उसमें तो झोल मटोल है, क्या है क्या नहीं वो तो नहीं, कोई भगवान झोल नहीं है, वो जानता है। आपको लगता नहीं, है, वो आपको लगता है झोल है। एक मुसलमान को अब नहीं देखो लगता है, मेरे यानी को जो नहीं पक्का लगता है कि मोमिन है उसको देखिए नहीं लगता है। जाहिर सी मुझे बात तो है ये साफ कि साफ लगता है। एक मिनट, काफिर साहब मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए, बोलिए हाँ, बोलिए फिर आप आप। ये कह रहे हैं कि जी आखिरत की कहानी में झोल है, तो भाई फिर अगर यही बात है तो फिर अगले जन्म की कहानी में भी झोल ही है। आपने अगला जन्म अपना देखा तो है नहीं, ठीक है, उसमें भी झोल मानी है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ उसी को, अगर आप उसमें भी झोल मान रहे हैं कि नहीं इंसाफ का तकाजा यह है कि आखिरत की कहानी में भी झोल है और अगले जन्म की कहानी में भी झोल है, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप बड़े मुनसिफ हैं। लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ देख कर ही किसी चीज को मानूंगा, चूंकि अगला जन्म किसी ने नहीं देखा तो उसको मैं नहीं मानता, तो क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे मेरे जो मेरे हिसाब से है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो मुझे, अगर मेरा जो अगला जन्म है, मैं उसके लिए कभी भी इतना कभी कंसर्न नहीं हुआ कि मेरा अगला जन्म नहीं, क्या वो होगा कंसर्न या मैं वो जन्नत अलग बात है जाऊंगा कि या हम कहाँ कंसर्न जाऊंगा, नहीं मुझे वो हुए। फर्क मुझे ये ही बताइए कि अगले जन्म में झोल है या नहीं है, नहीं। बिल्कुल झोल अगले है, जन्म की कहानी में।
बिल्कुल झोल है, कुछ नहीं है, कुछ झोल पता है, ही नहीं किसी कुछ को, नहीं है, कुछ नहीं, किसी ठीक है, को देखा ही नहीं आज चले। तक उसका कुछ अच्छा वो क्यों नहीं, नहीं पता? चूंकि आपने देखा नहीं, राइट? कोई आया नहीं आज तक, कोई मतलब कुछ है नहीं हाँ ना मतलब इसका कुछ। कोई आपने नहीं देखा ना, दैट्स द पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ तो क्या आप सिर्फ उसी वक्त किसी चीज पर यकीन रखते हैं जब उसको देखते हैं? नहीं, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, बट जो अभी तो आपने कहा हकीकत कि मैं इसलिए बिल्कुल इसलिए था, झोल है क्योंकि मैंने देखा नहीं, इसका मतलब नहीं देखना देखना आपके भी नहीं, नजदीक दलील और है, नहीं, बुनियाद है। वो उसमें नहीं जाऊंगा कि आपने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, बट मेरे को ये नहीं, उसमें लगता है जाना कि पड़ेगा भाई। आप अगर 10 चीजों को बगैर देखे यकीन कर रहे हैं तो मेरा फिर क्वेश्चन अगले ये था जन्म ही, कि अगले जन्म ही को क्यों अलग कर दिया, आखिरत को क्यों अलग कर दिया, उसमें भी यकीन करें? नहीं चलो मैं यकीन करता हूँ, बट फिर मेरे को फिर उसमें भी बहुत क्वेश्चन है कि अल्लाह फिर हूरे देगा इसमें, तो फिर मुझे टोटल वो लगता है नहीं कि हूरे देगा मतलब तो ये हूरे अगरचे हूरे कौन अगरचे ये सवाल दूसरा घुसे। है, यानी आप डाइवर्ट कर देंगे गुफ्तगू को, हम जी उसूली तौर पर, मैं ना मैं इसका भी जवाब दे देता लेकिन मैं इसका आई चूज नॉट टू आंसर दैट। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ये उसूल तय किया हुआ है कि भाई मैं सिर्फ देख कर ही मानूंगा, तो फिर ये उसूल हर जगह चलेगा। और अगर आप हर जगह ये उसूल नहीं चला रहे हैं तो फिर आपने आखिरत को या ये कि अगले नहीं, जन्म को अगर एक्सक्लूड क्यों कर आखिरत दिया? आखिरत को अभी हटा के रखते हैं तो फर्क क्या है अल्लाह और अल्लाह के नजर से काफिर और उसमें, वो तो सबके लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। आखिरत को हटा नहीं सकते ना, हमारा तो ईमान की वही बुनियाद है, खेल है, उसको कैसे हटा दें? वही खेल हो जाता है बस वहां पे, वो खेल नहीं है, क्योंकि ये खेल नहीं अगर है। अल्लाह अब मुसलमान में मैं फर्क करते तो उनको बात कहीं ना ये कहीं है, उनको कुछ बात ये देते। है कि आपने अपने जहन में ये बिठाया हुआ है कि भाई मैंने जब देखा नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, और इस चीज को आप तस्लीम नहीं कर रहे हो। मैं मरस की मेरे जड़ को तक पहुंच गया, प्रैक्टिकली जो आप नहीं जो मान हमारे रहे हो उसको। लाइफ में, जो लाइफ में, जो हम लोग लाइफ में देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो मतलब हिंदू भी पूरी है और क्रिश्चियन भी, मतलब जो आपने बिलीनर आपने है अपनी सब लाइफ कुछ में है। जाती तौर पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड फोटॉन्स देखें? वही मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, क्या देखा वो मेरे इसलिए दादा ने, आपको देखे पता तो है, मेरे इसलिए दादा पता है है कि आपको नहीं पता थे, है आंसर कि ना देखने के इसीलिए नहीं बावजूद जाना। आपने किसी साइंटिस्ट के खबर देने की वजह से उसको मान लिया कि ये चीजें मौजूद है। हम मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सच्चा इंसान खबर दे कोई, तो उसको मान लिया जाएगा। आप तो साइंटिस्ट की सच्चाई भी वेरीफाई नहीं करते, तो बगैर उसकी मतलब सच्चाई को टोटल वेरीफाई किए हुए आप मान लेते हैं, इस्लाम का मतलब टोटल जबकि फिर ये है इस्लाम कि में जो चीजें जन्नत। आई हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आई हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिक अलामीन है, लिहाजा उनकी बताई हुई कोई भी बात गलत नहीं हो सकती, गलत का मतलब झूठ नहीं हो सकती। अब अगर आपको साबित करना है, आप ये कह रहे हैं कि झूठ है, तो आप झूठ साबित कीजिए, चूंकि सच जो है वो एक डिफॉल्ट पोजिशन है, डिफॉल्ट पोजीशन के वही खिलाफ तो, किसी चीज को साबित किया जाता है। अगर अल्लाह अल्लाह में फर्क करना होता तो फिर इतने सारे काफिर वो करते ही क्यों, तो उनको उनको बनाना ही क्यों होता इतने सारे काफिर बना के, तो वो सारे सारे मोमिन बनाते, सबके सब कुछ वैसे ही चलता ना, तो वो काफिर कम कर पा रहे ना वो कुछ कर पा रहे, काफिर तो बढ़ते ही चले जा रहे और एंजॉय कर रहे लाइफ को, उनसे ज्यादा ही एंजॉय करते हैं मुसलमान आपका सवाल से। मैं नहीं समझ मुफ्ती साहब, इनका पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि मुसलमान जो है यहाँ वो मौज मजे की मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं और गैर मुस्लिम क्यों कर रहे हैं नहीं, मेरा यह है कि काफिर अल्लाह की भाई। नजर में अच्छा, फर्क ही आप नहीं बताएं कि आपको है। आपको क्यों लगता है कि एक क्रिमिनल जिसको आप जो है बहुत, आपके इलाके में कोई डॉन है? नहीं जी हाँ, कोई डॉन नहीं, नहीं है। चलिए, अच्छा चलिए, आप औरंगजेब को कैसा मानते हैं? अच्छा या बुरा? यार औरंगजेब की हिस्ट्री मुझे जितनी पता है नहीं नहीं उस हिस्ट्री नहीं, आप हिसाब सिंपली बता दें कि से। आप कैसा मानते हैं, अच्छा या बुरा मानते हैं, फिर मैं उसमें डिबेट नहीं करूंगा, सिंपली आपसे पूछ रहा टोटली मेरे को ज्यादा नहीं पता उसके बारे में क्या था क्या नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कुछ तो अच्छा सुना चले होगा चले, व्हाट्सएप पर। नहीं ये पता है कि 90 साल उन्होंने दिल्ली पे रियासत पे कायम थे, नहीं, 90 साल ये नहीं किया था, ये भी गलत पता है पता आपको। था कि भाई अपने भाइयों को मार के और काट पीट आप ये के बताएं कि वो आपके नजर में अच्छा है या बुरा है, यानी कि उसकी जिंदगी मौज यार, वाली वो होनी भी कुछ चाहिए या पता दुख नहीं। वाली होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए उनके हिसाब से जो जिंदगी उन्होंने जी नहीं, आपके अकॉर्डिंग, उस आपके हिसाब से आप जज कर रहे हैं ना कि अरे यार मुसलमान तो यहाँ मौज मस्ती कर नहीं रहे, तो इनका मेरा सच्चा क्वेश्चन खुदा वो सच्चा है दीन है कि कहाँ से? मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्क कहाँ है अल्लाह की नजर में एक काफिर और एक काफिर और मुसलमान के बीच, सब सब कुछ वो बराबर सबको देता है, अच्छा एक बात तो बताइए, एक फर्क बात कहाँ से आ बताइए, गया। आप आपने आप स्कूल गए कभी? बिल्कुल गए, कहाँ तक पढ़ा है? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, तो आपने बहुत ज्यादा एग्जाम्स भी दिए होंगे, बहुत सारे दिए होंगे अपनी जिंदगी में, बिल्कुल ठीक है?
तो रिजल्ट आने से पहले पहले टीचर फर्क करता है कि यार ये बहुत कामयाब स्टूडेंट है, ये बिल्कुल नाकारा, इसके तो रोजाना पिटाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल फेल होगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो टीचर ऐसा है तो पार्शियल है, वो गलत, वो टीचिंग पोजीशन के ऊपर गलत बिठा दिया गया। लेकिन जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक ये तो सब बराबर है ना। वो लेक्चर देगा तो सबको बराबर देगा, टाइम देगा तो सबको इक्वल देगा, स्कूल के रिसोर्सेज सब इक्वल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो कामयाब है उनके क्या कहने और जो नाकाम है उनके क्या कहने। रिजल्ट क्या चीज है, मतलब रिजल्ट क्या है, मुझे क्या करना है, मतलब तो ये उसूल आपको बता दिया कि आप अगर इस दुनिया में चाहते हैं कि इस दुनिया में काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क होना चाहिए, तो आप ये कह रहे हैं कि स्कूल में एग्जाम से पहले जो एग्जाम में कामयाब होगा उसमें और जो नाकाम होगा दोनों के दरमियान फर्क होनी चाहिए और पार्शियलिटी होनी चाहिए। तो फिर तो ऐसा स्कूल बेकार का, वहां क्यों जाए। मुझे लगता है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है और होने भी चाहिए बकायदा, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ सबको देखभाल करते हैं। अगर मैं ठीक हो जाता हूँ बीमारी से तो भगवान की और अल्लाह की देन से ही ठीक होता हूँ। हाँ तो ये अल्लाह ताला ने कब कहा कि काफिर वो काफिरों को सहूलत नहीं मिलेगी और मोमिनों को मिलेगी? बिल्कुल सहूलत देने में और इस कायनात के रिसोर्सेज के लिए अल्लाह ताला ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान कोई तकसीम भेदभाव नहीं रखा, सब बराबर हैं। बात यहाँ आती है कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर है खुदा की नजर में, वो खुदा का कानून और उसका हुक्म मानने वाला। अब उस बेहतरी का जो रिजल्ट है वो जब निकलेगा, जब रिजल्ट आउट होगा, वो यहाँ आउट होना नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके एग्जाम का रिजल्ट भी बुलेटिन बोर्ड पे बाहर निकलता है, आपके क्लासरूम में कोई निकलता है, अब आजकल तो ऑनलाइन आता है, वरना तो जिस क्लासरूम में आप हैं वहीं आपका एग्जाम हो, वहीं आपको रिजल्ट मिले। जब इस दुनिया में, जब इस दुनिया के स्कूलों में आपका रिजल्ट आपके क्लासरूम में नहीं मिल रहा है बल्कि ऑनलाइन आ रहा है, यानी एक दूसरे वर्ल्ड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहा है, तो फिर इस रिजल्ट को यहाँ क्यों चाहिए आपको ये वाला रिजल्ट? वो रिजल्ट तो फिर आप समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन, वो रिजल्ट जो आप सोच रहे हो कि आखिरत में जन्नत बैठी होगी, बगल में जल रहे होंगे लोग, वो एक काल्पनिक नहीं है। आपको नहीं लगता कि इतना काल्पनिक है कि आपस में सोच के भी, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये बिल्कुल हकीकी लगता है और ऐसा कतई इल्म है कि इसमें तो रत्ती बराबर भी हमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो फिर वही है इसमें, फिर आपका है, मतलब मुझे तो अल्लाह की नजर में लगता है आपको काल्पनिक लगता है काफिर साहब? बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है आपको काल्पनिक? क्योंकि ये 72 हूरे देना कि नहीं, आप रीजन दें कि आपको काल्पनिक क्यों लगता है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह वहां बैठा के हूरे देगा और फिर लेटा। क्यों नहीं लगता है? मैं तो समझ आ गया कि आपको नहीं लगता है, रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या है, क्या चीज कि हूरे देगा वहां बैठ के? हूरे से क्या करेंगे आप बैठ के पूरा दिन? अच्छा नहीं, मान लीजिए आपको लगता है कि हूरे नहीं देगा, रीजन क्या है? रीजन जानना है कि क्यों नहीं दे सकता है। मुझे तो ये साफ साफ क्लियर है कि अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जिसमें जिसको, मतलब आप अल्लाह पे जा रहे हैं, अब आप जो है आखरत को पहले काल्पनिक कहा कि आखरत काल्पनिक है, हम ये पूछ रहे हैं कि आपको काल्पनिक क्यों लग रहा है वो बता नहीं रहे, अब आप फिर आप अल्लाह पे जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह इनाम देंगे कि भाई तुम ये नमाज करो और तुम इतने ये करो, मुसलमान बन के आओगे मेरे पास तो मैं तुम्हें ये सब दूंगा, ये मुझे टोटल इसमें फरेब नजर आता है भाई। क्यों सवाल नहीं आ रहे हो घुमा फिरा के? मुझे लगता है क्यों का जवाब दीजिए भाई। तो अब मैं क्या बताऊं आपको? हाँ वही बताना है ना, क्या बताऊं आपको? मुझे काफिर भाई, मैं आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मुझे लगता है कि जी जी काफिर साहब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ना, कि यार ये रोज जाके क्लास करो, टीचर की जो है वो लेक्चर सुनो, ठीक है असाइनमेंट जमा करो, ये सब सुनो, इसके बाद जो है तुम पास हो जाओगे, यार ये मुझे ये सब काल्पनिक लगता है, ये सब बस काल्पनिक है। आप पूछेंगे ना मुझे क्यों लगता है काल्पनिक, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्लेम पे क्लेम किए जा रहे हो भाई, आप भाई काल्पनिक क्यों लगता है? वाई मेरा आंसर क्वेश्चन है वाई, वो आप बता ही नहीं रहो, बस अपना स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार मुझे ये काल्पनिक लगता है, क्यों लगता है? अच्छा एक अगर ये सवाल भी काफी साहब आपसे, मेरा एक सवाल है जो आसिम भाई के सवाल का ही एक हिस्सा है, कि मान लें इस दुनिया में अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऊपर वाला है, ठीक है, तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, मसलन एक आदमी बहुत अमीर है, उसके पास शानदार उसका मकान है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, अय्याशी की जिंदगी है, तो ये जिंदगी उसको किसने दी है? ऊपर वाले ने दी है या नहीं दी है? अगर ऊपर वाला है तो
अगर मैं तो बिलीव करता हूँ ऊपर वाले, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये वाली जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसको, दी है। अच्छा, तो जब वो इस दुनिया में वो अय्याशी वाली जिंदगी दे सकता है कि जिसमें आदमी ऐशो इशरत में है, बड़े सुकून से है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में क्यों नहीं दे सकता भाई? यहाँ पे कुदरत और वहां पे कुदरत नहीं, यहाँ पे हकीकी वहां पे काल्पनिक, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमारा फंडा वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे हमारे फंडे में ये होता है कि अगर जैसे आपके ने जैसे कर्म किए हैं तो वैसे ही आपका जन्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब वहां पे बैठा के खिलाना पिलाना। अभी तो आपने अगले जन्म को कहा झोल है, झोल तो है उसमें, मतलब मेरा जो तो फिर कर्म की बात ही खत्म हो गई। जब अगला जन्म झोल है वो होने का ही नहीं, तो अच्छे बुरे कर्म करने की जरूरत ही क्या है, आराम से रहो। हाँ, तो जब अगर जैसे फिलोसफी जो है आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, कि आप नहीं क्यों करने पड़ेंगे जब आगे कुछ होना ही नहीं है, अगला जन्म होना नहीं है, क्यों करने फिर अच्छे कर्म? सिंपली जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करें, आराम से बाकी अय्याशी करें, क्या मसला है? अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हो गवर्नमेंट के और आप अच्छे से जीवन चलाते हो, मतलब तो गवर्नमेंट के रूल्स आप इसलिए फॉलो करते हैं ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए मसलन आपको अय्याशी करनी है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, तो करें। गवर्नमेंट को पाबंदी तो नहीं लगा रखी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, नहीं करें तो, मगर उसमें अगर तो अब इसमें अच्छे कर्म की क्या बात आ गई? जब अगला जन्म झोल है तो क्यों करे एक आदमी अच्छा कर्म और क्यों बुरे कर्मों से डरे? वो तो झोल है ना। इसलिए डरना चाहिए क्योंकि अगर मैं देखो मेरा तो फिलोसफी अगले जन्म पे है और है, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा झोल। अच्छा, अब उसमें डाउट नहीं है मुंशी साहब, अब ये अगले जन्म पे डाउट नहीं है। वाह भाई वाह, कैसे रिवर्स मारा भाई आपने एकदम, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी की सीमा होती है। लोग कह रहे हैं कि वो वाली सीमा नहीं जो आजकल चल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से तो बेटर बनेगा ना आदमी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मेरे भाई। नहीं, अच्छे कर्म अगर आप मैरिड हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना गवर्नमेंट की नजर में लीगली दुरुस्त है, बुरा है या सही है? यानी लीगली गवर्नमेंट की नजर में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, गलत है। नहीं, गवर्नमेंट कौन सा कानून है जरा बताना भाई, कौन सा कानून है जो आपको कह रहा है कि आप जो है वो शादीशुदा रहते हुए जो है आप गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते? हाँ, मुझे बताइए कौन सा पीनल कोड है जरा बताना। नहीं, उसमें वाइफ अगर कंप्लेन कर देगी तो आप पे केस चल जाएगा। क्या केस चलेगा, कौन सा केस चलेगा? वाइफ ज्यादा से ज्यादा इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स मांग सकती है, कोई केस नहीं चलेगा। तो केस चलेगा उसमें फिर बिल्कुल, वो जो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है वो अपने कंसेंट से दूसरे लड़की के साथ सो रहा है, तो क्या वो जेल में जाएगा इस वजह से? ये किसने बोल दिया आपको? तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी अगर वो उसकी वाइफ चली जाएगी, अगर उसे छोड़ना नहीं है तो छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो मैं कहता हूँ कि एक आदमी छुप छुपा कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, उसकी वाइफ को अभी तक पता नहीं चला, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई कानून इस ताल्लुक से है नहीं, तो अब मुझे बताइए कि क्या उसके लिए ये काम करना ठीक है या ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है अगर वो कर रहा है तो। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का तो कोई कानून नहीं अगर है। अगर वो एक वाइफ से ज्यादा अफेयर कर रहा है किसी के साथ, तो फिर वो ऑब्वियसली वो इतना फेयर नहीं हो पाएगा अपनी वाइफ के लिए। नहीं, वो फेयर है, वो उसकी वाइफ को तो पता ही नहीं चल रहा है ना, उसके अपने अपनी वाइफ के सारे हुकूक अदा करता है, जो भी उसकी जिम्मेदारी वो पूरी करता है। व्हाट डू यू मीन कि फेयर नहीं हो पाएगा? फेयर है, जनरली नहीं हो पाता है क्योंकि अगर अच्छा दूसरी बात ये कि फेयर होना ना होना, फेयर होना ना होना तो वाइफ को पता चलेगा ना कि ये मेरे साथ फेयर नहीं है। वाइफ को तो पता ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलव्वस है। होता है ऑब्वियसली, अगर मैं वाइफ को तो लग रहा है कि सब चंगा है, वाइफ को लग रहा है कि सब चंगा है, अब आप मुझे बताइए किस बुनियाद पर आपने इसको गलत कहा? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एक से ज्यादा वो शादी या एक से ज्यादा अफेयर कर रहा है किसी के साथ, तो वो ऑब्वियसली चीट कर रहा है किसी के साथ। तो वाइफ को पता नहीं है ना अभी उसके साथ चीट हो रहा है, अभी वाइफ को चीटिंग पता नहीं चली। तो आप झूठ तो बोलोगे, आप ये काम कर रहे हैं तो बुलाना, आप जा रहे हो कहीं पे, कुछ तो झूठ बोलोगे ना, ऑब्वियसली उसके साथ पूरा टाइम भाई नहीं दे पा रहे हो भाई। मिसाल के तौर पर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पर गए, ठीक है, वहां पर आपके आपकी आंखें चार हो गई थाईलैंड में, और वहां आपने जो है एक रात गुजार ली, अब नहीं बता रहे आप अपनी बीवी को, ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये ठीक है या ठीक नहीं है? कोई कानून इसके ऊपर नहीं है,
अगर कानून कुछ नहीं है तब तो वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक, अच्छा कर्म हुआ, ये कर्म खराब हुआ क्यों हुआ? धर्म के अनुसार जाते नहीं, नहीं क्यों हुआ आपके एतबार से पूछ रहा हूँ, धर्म तो आपका है ही नहीं ना, उसमें तो झोली है, आपके एतबार से बताए कि ये कर्म ठीक है। मैं तो धर्म मानता हूँ ना, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं धर्म ही नहीं मानता, मैं तो धर्म मानता हूँ। अगला जन्म भी मानते हैं? अगला जन्म इन द सेंस कि कर्म बेस के, कर्म के बेस के। हाँ, अगले जन्म में झोल मानते हैं अभी या नहीं मानते? अगले जन्म में मानता हूँ। झोल मानते हैं? नहीं, अगले जन्म में तो मैं मानता हूँ। अब मैं झोल नहीं मानता हूँ। तो अगले जन्म में झोल नहीं है, लेकिन आखिरत में झोल है, देखा दोनों में से किसी को नहीं, ये है। अब इसको अब कहा जाएगा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चले काफिर भाई, अब उसको मानो, हम इसको मानते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये सब नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह की, मेरे ख्याल से एक मिनट, इस लाइफ आपको आपको काफी वक्त दे दिया गया और आपने कहा इंजीनियर में आप, लेकिन गुफ्तगू करके नहीं लगा आपसे, तो मेरे ख्याल से आप दूसरों को मौका देते हैं और आगे बढ़ते हैं, काफी हद तक आपसे बात हो गई काफिर भाई, ठीक है, चले जी जी, कोई दिक्कत, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंजीनियर वाला नहीं लगा, ये कैसा कमेंट था यार इसमें? चलो कोई बात नहीं, होंगे आप ठीक है, चले आपकी बातों से नहीं लगा, चले इजाजत तलब करते हैं आपसे।